आदाब नाज़रीन, आज अक्टूबर की 11 तारीख साल 2020 ईस्वी सन 1442 हिजरी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 24 तारीख दिन जो है वो संडे यानी इतवार है। आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया, मैं आपका मेज़बान माजिद सलाम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। पेश करते हैं मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ। आइए सबसे पहले आगाज करते हैं रूस की तरह तामील इरशाद की इस पहली सुर्खी से। डोडा कंगन पुलवामा और चीनी गांव कुलगाम में मसला तसदुम आ रही, लश्कर कमांडर समेत चार जंगजू जांबाग हाल ही में अक्सर सफों में शामिल हुआ। डोडा का नौजवान गिरफ्तार, आईजीपी महलूक अक्सर हिंदवाड़ा में सुपुर्द खाक। गुज़श्ता एक माह के दौरान अक्सरी सफों में शमूलियत के रुझान में इजाफा, लाइन अप कंट्रोल पर हालत में फिलहाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में, दरानंदाजी में नुमाया कमी, इस साल सिर्फ 30 जंगजू दरानंदाजे में कामयाब हुई फौज। दुनिया में लाखों अफराद को मौत की नींद सुला देने वाले मोहलक वायरस की कहर सामान्य जारी, 635 अफराद की टेस्ट पॉजिटिव, जम्मू कश्मीर में मजीद 7 हलाकतें, मोहलिकीन की तादाद 1315, ताज़ा मामलात में कश्मीर से 400 और जम्मू से 235 नए केस दर्ज। इस खबर को रोजनामा आफ्ताब ने सफ़े अव्वल में जगह दी है। जम्मू के 4 सरहदी सेक्टरों में आर पार गोलाबारी, 2 BSF अहलकार जख्मी, कई रिहायशी ढांचों को नुकसान, श्रीनगर और शिमाली कश्मीर में दिलदोज हादसात, BSNL मुलाजमीन समेत 4 जान भाग। 18 जुलाई अमशीपुरा शोपियन इनकाउंटर, शहदा की जांच पड़ताल जारी, इस अमल की तलकीन की फौरन बाद अगली मरहले में जाकर काम शुरू होगा, BS राजू। गांधरबल के मतदा इलाकों में इमारती लकड़ी नायाब, आवाम 2 साल से लकड़ी के इंतजार में, हुकाम तवज्जो दे, जम्मू कश्मीर में ईंधन की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाए, अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर। प्रॉपर्टी टैक्स की निफाज के लिए किए गए कानूनी तरमीम, आईने की मनाफी इकदाम, जम्मू कश्मीर के आवाम को मजीद पस्त बेदेवार करने की मजकूरा कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आखिरी सुर्खी पढ़ते हैं रोजनामा उकाब से। पॉलिटेक्निक और ITI फैकल्टी की तनख्वाहें दुगना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का ऐलान, मुलाजमीन का खैर मुकदम। इसी के साथ ही आज की सुर्खियां यहीं पर इख्तिताम होती है। दीजिए अपने मेज़बान माजिद सलाम, एडिटर फैसल मकसूद और अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।